तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं हम। आज हम आपको दिखाएंगे कि भाई बैंकॉक में या थाईलैंड में आप कैसे बाइक रेंट कर सकते हो। तो जो बैंकॉक में शॉप है उसका नाम एमा बैंकॉक है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। बिल्कुल अभी मैं शॉप में ही बैठा हूँ, तो अभी मैं आपको इनकी सारी बाइक्स दिखाता हूँ, इनकी शॉप दिखाता हूँ, और आप कैसे इवन इनकी जो दुकान है वो बैंकॉक के बाहर भी है वो भी आप वेबसाइट में चेक कर सकते हो। सबसे अच्छी शॉप है यहाँ पे, इनके पास अराउंड 100 से ज़्यादा बाइक्स होती हैं, और आप शॉर्ट टर्म आई थिंक 3 दिन के लिए हैं, लॉन्ग टर्म आप रेंट कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको प्राइस डील देते हैं ये। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो ये आप इनकी शॉप देख सकते हो, एमा बैंकॉक रेंटल, एड्रेस मैं आपको देख लूँगा। ये दो शॉप है इनकी, वह काफ़ी बड़ी बाइक्स भी होती हैं। अगर आपको थाईलैंड में मोटर टूरिंग करनी है तो आप ले सकते हो, लाइक बिग बाइक्स भी है और यहाँ पे ये वाली भी है। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं जूमर रेंट करने के लिए। तो देखिए इनके पास बिग टूरिंग बाइक्स और स्कूटर्स भी हैं ये भी आप, और बड़ी बाइक भी रेंट करनी है वो भी कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन प्राइस आपको पता चल जाएगा, पर यूजुअली 3,000 बाट से स्टार्ट होता है महीने के हिसाब से। तो जितने ज़्यादा महीने लोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा इसमें, और डेली का आई थिंक डेली का 300 बाट से स्टार्ट होता है। पर अगर आप बैंकॉक में या थाईलैंड में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ इनसे ही आप रेंट करिए, क्योंकि एक दुकान जो ऑलरेडी ये 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और इनके पास बहुत सारे फॉरेनर सारे इनसे ही रेंट करते हैं बाइक। तो आप इनसे अगर बाइक रेंट करोगे तो आप इंश्योर रहोगे, या आप इंश्योरेंस में भी हेल्प करते हैं। तो काफ़ी शॉप काफ़ी अच्छी है, कोई आपसे स्कैम नहीं करेंगे, जेन्युइन शॉप है। अगर आप कोई शॉप पे जाओगे जिसमें सिर्फ 3-4 बाइक्स होंगी, वो आपसे 100% स्कैम करने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैंने काफ़ी वीडियो शूट कर रखी है कि बैंकॉक में और थाईलैंड में काफ़ी स्कैम होते हैं बाइक रिलेटेड। तो अगर आप आना चाहते हो और लॉन्ग टर्म रेंट करना चाहते हो, प्लीज़ ये शॉप में आप आइए। स्पॉन्सर्ड नहीं है ये शॉप, ऑलरेडी मैंने 2-3 साल पहले यहाँ से रेंट करी थी 4-5 महीने के लिए, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं दोबारा इनके पास ही आया हूँ। एमा है इनकी ओनर, और जो इनके हस्बैंड हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। तो प्लीज़ आइए, और अगर आपको यहाँ से रेंट करनी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी बाइक रेंट करने। डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, अगर आपके पास थाई लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थाई लाइसेंस नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट आपके पास थाईलैंड लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो पुलिस वाले ठुल्ले हैं वो आपको सीधा फाइन कर देते हैं। तो आपको बस अपना लाइसेंस चाहिए और पासपोर्ट चाहिए, और आपको ये दे देंगे। आई थिंक डिपॉजिट अभी मैं बात करूँगा, कितना डिपॉजिट है वो मेरे को पता नहीं है। तो भाई लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए भाई। तो गाइस बाइक आ गई है, आपको बाइक भी दिखा देते हैं और रिकॉर्ड भी कर लेते हैं बाइक का। ये वाली बाइक है जूमर बाइक, मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगा, पर अच्छी डील अभी मैंने 1 महीने के लिए रेंट करी है। इसमें इनका मोबाइल का ये भी है, क्या बोलते हैं, रखने के लिए, और अच्छी छोटी बाइक है, बैंकॉक में चलाने के लिए बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो भाई हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन, हो गया है फाइनल, पासपोर्ट और लाइसेंस चाहिए आपको, और आपको बाइक मिल जाएगी। अभी एक महीने का डिपॉजिट 3,000 बाट है, और मैं आपको प्राइस नहीं बताऊंगा कि क्या प्राइस है, पर यूजुअली 3,000 से आपको मिल जाएगा प्राइस।